अगर आप लोग भी YouTube पर किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के व्यूज काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड शेयर करूंगा जो एक्चुअल में वर्क करते हैं। तो आज की इस वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। आप इस बात को ध्यान से सुनना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन से ही आप लोगों ने मेरे थंबनेल पर क्लिक किया और तभी आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोगों का भी ये फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तो आपको यूट्यूब पर ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और इस फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाने के लिए आपकी हेल्प मैं करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जिनसे आप अपने व्यूज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपने थंबनेल को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं जिससे लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो इन 5 वेबसाइट्स में से लास्ट वाली वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आजकल लोग AI का यूज करके काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को पहली वेबसाइट AI वाली ही बताने वाला हूँ जिससे आप लोग AI इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है लेक्सिका। लेक्सिका वेबसाइट से आप लोग प्रॉम्प्ट डाल करके किसी भी तरह की इमेज को जनरेट कर सकते हैं जो कि आप लोग अपने थंबनेल में यूज कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इस वेबसाइट का यूज करके काफी सारी इमेजेस को जनरेट किया था जो कि आप लोग मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का यूज करके आप लोग अपने थंबनेल के लिए इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं जो कि आप लोग बैकग्राउंड वगैरह में लगा सकते हैं। तो ये थी पहली वेबसाइट। सेकंड वेबसाइट को चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं imageenhanced.ai, और इसका वैसे URL है cutout.pro। तो इस वेबसाइट का यूज आप लोगों को इस तरीके से करना होगा, अगर आपकी कोई लो इमेज है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल लो है तो उसको आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देना होगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको इमेज को इनहेंस करके दे देगी, तो आपकी लो क्वालिटी वाली इमेज को कन्वर्ट कर देगी हाई क्वालिटी में। तो आप लोग इसे फ्री में ही एक्सेस कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी हमारी सेकंड वेबसाइट। मैंने आपको बैकग्राउंड का भी बता दिया है कि आप लोगों को बैकग्राउंड के लिए इमेज कहाँ से चाहिए होगी, और आप लोगों को अपनी PNG भी बता दिया कि कैसे आप लोग अपनी इमेज को हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। और अब चलते हैं आइकन के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अपने थंबनेल में काफी सारे आइकन्स का यूज करते हैं अगर आप लोगों को एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना है। तो आइकन के लिए आप लोगों को सबसे पहले चले जाना होगा flaticons.com पर। यहाँ पर आपको काफी सारे आइकन्स मिल जाएंगे, जिस भी आइकन को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिखना है और आपके सामने आ जाएंगे। इस वेबसाइट का काफी सारे लोगों को पता भी होगा, और सभी वेबसाइट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में से किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। साइट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इस वेबसाइट से आप लोग 3D आइकन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, और ये रहे इंस्टाग्राम वाले आइकन जो कि आप लोगों को एक अलग दिख रहे होंगे जो फ्लैट आइकन पर बिल्कुल सिंपल है, और इस वेबसाइट पर आप लोगों को 3D आइकन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह के आइकन्स मिल जाएंगे जिनसे आपका थंबनेल को एक अलग ही अट्रैक्टिव लुक मिलेगा। तो आप लोग इन 4 वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं, और अब बारी है लास्ट वेबसाइट की, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि लास्ट वाली वेबसाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अब बारी है लास्ट वाली वेबसाइट की। तो जो हमारी लास्ट वेबसाइट है उसका नाम है thumbsup.tv। इस वेबसाइट से आप लोग अपने थंबनेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का थंबनेल चैनल पेज पर कैसा लग रहा है, और ब्राउज फीचर पर कैसा लग रहा है, और हर कैटेगरी में आप लोगों का थंबनेल कहां पर कैसा दिखे यूट्यूब ऐप में। तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कट तो नहीं हो रहा है। तो इन वेबसाइट्स का यूज करके आप लोग अपने व्यूज को बढ़ा सकते हैं, तो इन वेबसाइट्स का यूज करके आप लोग अपने थंबनेल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।